हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यसभा का पावर एंड फंक्शन, जिसे हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो राज्यसभा होता है, ये अपर हाउस भी होता है। अब बात आता है कि इसमें मेंबर कितने होते हैं, मतलब कि कंपोजिशन इसका कैसा है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे राज्यसभा में कि 245 जो है वो मेंबर होते हैं, और इस 245 को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मतलब कि 233 जो है वो अलग तरीके से आते हैं, और यहाँ के जो 12 मेंबर है वो अलग तरीके से आते हैं। तो कौन 233 मेंबर जो उसको अपॉइंट करता है, और कौन 12 मेंबर को अपॉइंट करता है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। हम लोग को ये पता चला कि 245 क्या है, टोटल मेंबर है राज्यसभा के, इसमें से 233 मेंबर जो है वो अलग तरीके से आते हैं, और 12 मेंबर अलग तरीके से आते हैं। 233 मेंबर को कौन लाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके। एंड 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करके लाते हैं। टेन्यूर अगर देखा जाए, मतलब कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो कितने साल के लिए आते हैं, 6 ईयर के लिए आते हैं, ओके। और यहाँ पर देखा जाता है कि 1/3 जो मेंबर होते हैं वो हमेशा एवरी सेकेंड ईयर रिटायर हो जाते हैं, और जो ये रिटायर होते हैं तो वहाँ पे क्या हुआ, सीट वैकेंट रह जाता है, मतलब कि खाली रह जाता है, उन्हीं सीट के लिए इलेक्शन किया जाता है। पावर एंड फंक्शन जो है राज्यसभा का, वो हम आपको मालूम है गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को लागू करता है, एंड जुडिशियरी क्या करता है, अगर कोई लॉ को तोड़ रहा है, मींस लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसे पनिश करता है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में राज्यसभा के पास बहुत कम पावर है, क्योंकि जितने भी मनी बिल होते हैं वो लोकसभा में ही पहले इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इसलिए राज्यसभा के पास कम पावर है। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन रिलेटेड होता है किस चीज़ से, अमेंडमेंट से, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल वगैरह है उसको अगर अमेंड करना है, उसको चेंज करना है, अमेंड जब किया जाता है उसमें तब्दीली लाई जाती है, चेंजेस लाया जाता है, तो वो पावर किस में आएगा राज्यसभा का, वो पावर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर माना जाएगा राज्यसभा का। अब हम लोग वन बाई वन कर समझेंगे हम लोग सबको। लेजिस्लेटिव फर्स्ट आता है, लेजिस्लेटिव में क्या है कि कोई भी बिल है तो ये बिल तैयार हुआ, बिल क्या हुआ लोकसभा में किया, 90% बिल देखा जाता है कि लोकसभा में ही जाता है पहले। अगर लोकसभा पास कर देता है इसे, मतलब कि लोकसभा के मेंबर अप्रूवल दे देते हैं उस बिल को, तो ये राज्यसभा में जाता है, ओके। और अगर राज्यसभा भी अप्रूवल दे दे रहे हैं तो ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, और एक बिल जो है वो लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि कोई बिल जो है वो लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा अगर पास कर देता है तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आता है, अगर राज्यसभा पास नहीं करता उस बिल को तो क्या होगा। देखिए क्या होगा, राज्यसभा अगर पास नहीं करेगा उस बिल को तो वो बिल क्या होगा, अगर राज्यसभा रिटर्न कर देता है उस बिल को, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा को क्या क्या बिल को सेंड किया, अगर बिल रिटर्न हो जाता है, मतलब कि समझ लीजिए कि पापा जो है वो मम्मी को दिखाए, कोई के न्यू प्लॉट लेने वाले हैं तो वो दिखाए कि ये न्यू प्लॉट लेने वाले, अगर मम्मी उसमें बोले कि नहीं ये सही नहीं, ये नहीं करिए, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिए, मतलब कि दो रूम नहीं लेके एक ही रूम आप ले लीजिए, तो ऐसे अमेंड हो गया तो पापा उसके ऊपर देखेंगे, गौर करेंगे ये सही बोल रही है गलत बोल रही है, फिर पापा उसको क्या करेंगे, मम्मी को दिखाएंगे थोड़ा सा चेंज करके। तो अगर मम्मी को फिर पसंद नहीं आएगा तो फिर क्या होगा मालूम है, डेडलॉक हो जाएगा, मतलब कि लोकसभा जो है वो क्या किया, राज्यसभा के पास बिल को भेजा, ओके। अगर राज्यसभा रिटर्न कर देता है उस बिल को लोकसभा के पास अमेंडमेंट के साथ, मतलब कि उस बिल में कुछ चेंजेस लाता है, तो क्या होता है कि लोकसभा जो है उसे रीसेंड करेगा उस बिल को राज्यसभा के पास। अब तो लोकसभा की मर्जी, उस बिल में वो चेंजेस लाकर कर रहा है या वैसे ही कर रहा है फिर से दोबारा, मतलब राज्यसभा को सेंड कर रहा है, तो राज्यसभा अगेन अगर रिटर्न कर दे रहा है, मतलब एक बार रिटर्न कर रहा है तो नहीं, दूसरे बार अगर रिटर्न कर दे रहा है तब डेडलॉक हो जाता है। और इस डेडलॉक को कौन सॉल्व करता है, प्रेसिडेंट। कैसे करता है, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस बुलाकर, मतलब कि ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा और लोकसभा दोनों होंगे, और इन दोनों की मीटिंग में बताया जाता है कि क्या करना चाहिए, कौन सही कौन गलत है, सबसे डिस्कशन किया जाता है राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के मेंबर से डिस्कशन करने के बाद इस बिल को सॉल्व कर दिया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा लेजिस्लेटिव पावर। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 जो है वो बताता है क्या, वो बताता है कि एग्जीक्यूटिव पावर, ये बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके सामने, किसके सामने रिस्पॉन्सिबल होंगे, लोकसभा के सामने रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्टिवली तौर पे, मतलब कि हाउस ऑफ द पीपल के सामने वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर में समझ में आ गया आपको क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो जो भी काम करेंगे वो लोकसभा के मेंबर को बताएंगे, इसे ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में क्या होता है कि कोई भी अगर मनी बिल है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा, कोई भी मनी बिल जो वो लोकसभा में ही पहले दिया जाता है, भेजा जाता है, लोकसभा क्या करता है इसे राज्यसभा के पास सेंड करता है, और राज्यसभा के पास अगर मनी बिल फाइनेंशियल पावर में देखा जाए तो बहुत ही कम पावर है। क्यों, क्योंकि राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ 14 डेज डिलेइंग पावर है, लेट्स पावर है, मतलब कि वो टाल सकता है। कोई भी अगर मनी बिल लोकसभा के पास से राज्यसभा के पास गया तो राज्यसभा के जो मेंबर है वो
अगर उन्हें पसंद नहीं आता है वो बिल तो वो क्या करेंगे, सिर्फ 14 डेज अपने पास रख सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। यस, ए पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल्स और नॉट, कोई पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर डिसाइड करेंगे कि कोई मनी बिल है या नहीं है। स्पीकर कौन होते हैं, स्पीकर हेड होते हैं लोकसभा के। और ये स्पीकर कहाँ से आते हैं, कैसे इन्हें लाया जाता है, ये स्पीकर जो है लोकसभा के जो मेंबर रहते हैं उसमें से ही आते हैं, जो सीनियर मेंबर होते हैं उन्हें स्पीकर एज ए स्पीकर चुन लिया जाता है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है जुडिशियल पावर, जिसमें हम लोग देखेंगे राज्यसभा के पास पावर जाता है कैसे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के मेंबर को रिमूव करने में राज्यसभा के पास पावर है कि वो रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जज जो है सुप्रीम कोर्ट को उसको रिमूव करना है या हाई कोर्ट के स्टेट हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है, तो राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है। लेकिन अभी कुछ ऐसे मैटर है जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास पावर है, तो वो हम लोग देखेंगे क्या है। देखिए, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों जो है वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को ये बोलेंगे, मतलब कि राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों बोलेंगे कि इसे रिमूव करना है, प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे, लेकिन ऑर्डर किसका रहेगा, दोनों हाउस का, लोकसभा का राज्यसभा का। तो किसको किसको रिमूव कर सकते हैं, हाई ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल को रिमूव कर सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी बहुत सारे और भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ इतने ही तीन ही वो रिमूव करेंगे दोनों मिलकर, बल्कि और भी है, बहुत सारे को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर इन तीनों को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्टोरल फंक्शन। ओके, इलेक्टोरल फंक्शन में क्या है, इलेक्ट करने का, किसी को इलेक्ट करेंगे, वो अपॉइंट करेंगे किसी को। प्रेसिडेंट जो है वो क्या होते हैं कि प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होगा तो क्या होता है यहाँ पे कि लोकसभा जो है, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो इस इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, मतलब प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने में वो इनडायरेक्टली पार्ट लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उसको अपॉइंट करने में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है वो दोनों क्या करते हैं, अपॉइंट करने में पार्ट लेते हैं या हिस्सा लेते हैं। ओके, तो अगर हम लोग स्पीकर को देखें, डिप्यूटी स्पीकर को देखें, तो वो कहाँ से आते हैं, उनके मतलब कि जो लोकसभा के मेंबर है उन्हीं के दरमियान से आते हैं। देखिए क्लास में ही देखिएगा तो क्या होता है कि एक मॉनिटर होते हैं, तो टीचर मॉनिटर किसको बनाते हैं, जिसको देखते हैं कि थोड़ा ज्यादा एबिलिटी है कंट्रोल करने का, उसे एज अ मॉनिटर बना देते हैं। तो यही यहाँ पर बात है, एक स्पीकर होता है, एक डिप्यूटी स्पीकर होता है, जिसको देखा जाता है कि ज्यादा सीनियर होता है, ज्यादा उसके अंदर एबिलिटीज होता है, उसको बना दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अमेंडमेंट पावर। अमेंडमेंट पावर में क्या होता है कि दोनों के पास ये पावर है, मतलब कि जो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट को अमेंड करने के वक्त उनको क्या करना पड़ता है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है उससे अप्रूवल देना पड़ता है। ओके, क्लियर हो गया। चैनल को सब्सक्राइब।